नमस्कार, मैं हूं समीप राजगुरु और इस वक्त बारी है क्रिकेट एक्सप्रेस की, यानी कि दना दन जो है क्रिकेट की खबरें मैं आपको बताने वाला हूं। आप कान खुला रखिए और सुनते रहिए कि क्या क्या क्रिकेट में हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं क्रिकेट एक्सप्रेस। इंग्लैंड के खिलाफ अगले माह T20 सीरीज खेली जानी है। इससे पहले टीम इंडिया के लिए बड़ी खबर आई है। तेज गेंदबाज दीपक चाहर ने कहा कि मेरे रिहैब कार्यक्रम के मुताबिक मैं एक बार में 4 से 5 ओवर डाल रहा हूं। मैं समझता हूं कि मैच के लिए फिट होने में मुझे अभी 4 से 5 हफ्ते का समय और लगेगा। भारतीय क्रिकेट टीम को लगा बड़ा झटका, कोरोना की चपेट में आए आर अश्विन। अश्विन आइसोलेशन और सभी प्रोटोकॉल को पूरा करने के बाद 1 जुलाई से खेले जाने वाले टेस्ट से पहले टीम इंडिया से जुड़ जाएंगे। इंग्लैंड की टीम को सितंबर अक्टूबर में पाकिस्तान का दौरा करना है। इंग्लैंड की टीम 7 मैचों की T20 इंटरनेशनल सीरीज पाकिस्तान के साथ खेलेगी और ये T20 वर्ल्ड कप 2022 से पहले इंग्लिश टीम की यह आखिरी T20 सीरीज हो सकती है। इस तरह T20 वर्ल्ड कप की तैयारी इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान में करने वाली है। ऑस्ट्रेलिया की दिग्गज क्रिकेटर लीजा स्टालेकर इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला प्रेसिडेंट बन गई। स्विट्जरलैंड के नियोन में हुई इस मीटिंग में ऑस्ट्रेलिया की पूर्व कप्तान को यह पद दिया गया। भारतीय T20 टीम में स्पिन ऑलराउंडर की भूमिका के लिए रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल के रूप में 2 दावेदार मौजूद हैं। इस पर पूर्व भारतीय खिलाड़ी आकाश चोपड़ा का मानना है कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज के बाद अक्षर पटेल इस रेस में पीछे हो गए। खराब फॉर्म के चलते टीम में ऋषभ पंत की जगह पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने सवाल उठाए हैं। आकाश चोपड़ा ने कहा है कि पंत को खराब शॉट खेलकर आउट नहीं होना चाहिए। T20 विश्व कप के लिए पंत टीम के लिए बहुत जरूरी है। रणजी ट्रॉफी 2022 का फाइनल मैच 22 जून से 26 जून के बीच खेला जाएगा। मध्य प्रदेश की टीम 23 साल बाद फाइनल में पहुंची है, जबकि मुंबई ने 47वीं बार फाइनल में जगह बनाई है। टॉम लेथम बने न्यूजीलैंड टीम के कप्तान। आयरलैंड दौरे के लिए हुआ कीवी टीम का ऐलान। आयरलैंड दौरे के लिए शेन जार्गेंसन को टीम की कोचिंग का जिम्मा मिला हुआ है। न्यूजीलैंड टीम आने वाले 3 महीनों में 5 देशों से मुकाबले खेलेगी। हम्बनटोटा में खेले जा रहे दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट के पहले दिन श्रीलंका ए ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 90 ओवर में 330 रनों का स्कोर बनाया। श्रीलंकाई टीम की तरफ से निपुण धनंजय ने 92 रनों की शानदार पारी खेली, लेकिन वो शतक से चूक गए। तापसी पन्नू स्टारर शाबाश मिठू का ट्रेलर रिलीज हो गया, जिसकी काफी तारीफ हो रही है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की दिग्गज बल्लेबाज मिताली राज पर यह फिल्म बनी है। सचिन तेंदुलकर से लेकर बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने शाबाश मिठू के ट्रेलर की तारीफ की है। पकड़ो कैच, जीतो मैच, ये तो हर कोई जानता है, लेकिन क्रिकेट की हर खबर हम आपको बताते हैं। इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और जुड़े रहें इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल के साथ।